आप जंगल में बैठिए और ध्यान में हो जाइए। नाग आपके सामने आकर इकट्ठा हो जाएंगे। विष लेने से मेरे साथ कई चमत्कार हुए हैं, शरीर को युवा बनाने और अपने साथ तमाम चीजें करने के मामले में। ऐसे कुछ विशेष तरह के योगी होते हैं जो अपने साथ ऐसे पहाड़ी बिच्छू रखते हैं। वो बिच्छू का डंक ले लेते हैं। वो बिच्छू का डंक अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बिल्कुल हिला डालने के लिए लेते हैं। जागरूकता की पहुंच कहां पर है उन्हें पता चल जाता है। तो आपने बताया कि ये साधन हमारी पहुंच उस चीज तक बनाते हैं जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, जागरूकता या बुद्धिमानी। लेकिन आपने कहा कि ये इंसानों के लिए है, तो जानवरों के बारे में आपका क्या ख्याल है और वो दुनिया को किस तरह से अनुभव करते हैं? देखिए, जब जानवरों की बात आती है तो एक जानवर कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड होता है कि उसका ज्यादातर जीवन जिंदा बने रहने के लिए फिक्स्ड होता है। मान लीजिए इस मामले में चाहे वो कोई भी प्राणी हो, अगर उनका पेट भरा है तो उनका जीवन ठीक हो जाता है, वो खुशी खुशी बैठते हैं। लेकिन ऐसा स्वभाव इंसानों का नहीं होता। पेट खाली हो केवल एक समस्या है, पेट भरा है 100 समस्याएं। ये है इंसानों का स्वभाव, क्योंकि जिंदा बने रहना हमारे लिए आखिरी चीज नहीं होती। जब जिंदा बने रहने के इंतजाम हो जाते हैं, सिर्फ तभी आदमी का सही रूप जागता है, तब तक हम भी बस एक जानवर की तरह ही हैं। जब हम बहुत भूखे होते हैं और सवाल जिंदा रहने का होता है, तो हम भी किसी दूसरे जानवर की तरह ही होते हैं। इंसान बिल्कुल दूसरे जानवरों की तरह ही लड़ पड़ते हैं जब सवाल जिंदा रहने का आता है। सिर्फ जब वो चीजें सेट हो जाती हैं तभी इंसान होने के दूसरे आयामों की संभावना आती है। तो बस जिंदा रहना हमारे लिए आखिरी चीज नहीं होती है, ये हमारे लिए शुरुआत है, ये जिंदगी की पहली चीज है। लेकिन बाकी सारे जीवों के लिए जिंदा रहना ही सब कुछ है। लेकिन उनके बीच भी कुछ जीव हैं जिनकी पहुंच काफी ज्यादा है, या कम से कम वो ज्यादा संवेदनशील है। मैं उनकी पहुंच है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन वो जागरूकता के मामले में ज्यादा संवेदनशील हैं। जहां भी जागरूकता होती है कुछ जीव अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। In India, in the yogic culture, in the Indian mysticism, everywhere you see there will be a cobra, always. भारत की योग संस्कृति में, भारतीय रहस्यवाद में आप हर जगह कोबरा देखेंगे हमेशा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने हमेशा पाया है कि जहाँ भी जागरूकता की थोड़ी सी भी पहुँच होती है, इन जीवों को किसी तरह से पता चल जाता है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। कैसे उन्हें पता चल जाता है? एक चीज है जो मेरा अनुमान है, ये मेरे लिए एक पक्का विज्ञान नहीं है, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह बहरे होते हैं। मुझे लगता है कि वो किसी दूसरे तरीके से बहुत ज्यादा चौकन्ने होते हैं, और वो बहुत बहुत चौकन्ने होते हैं। ये एक तथ्य है जिसको कुछ लोगों ने जांचा है। देखिए, उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत का कोबरा, जिसके कोई कान नहीं होते, सुनने वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता, तो इसका पूरा का पूरा शरीर जमीन पर होता है, या कह सकते हैं कि कान जमीन पर लगे होते हैं। तो कैलिफोर्निया में एक भूकंप आने वाला है जो कि 12 घंटे दूर है, यानी कि धरती के लगभग दूसरी ओर है। अगर 2-3 दिनों में कोई भूकंप आने वाला है तो ये कोबरा एक खास तरह से बर्ताव करना शुरू कर देगा। अगर आप इसे सावधानी से देखें, अगर आपने इस चीज पर पर्याप्त महारत हासिल कर रखी हो, तो आप साफ तौर पर बता सकते हैं कि धरती के इस अक्षांश पर भूकंप आने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सांप को देखकर ये बता सकते हैं ये कैसे बर्ताव करेगा। देखकर वो बता देते हैं कि धरती के किस भाग में इस तरह की हलचल होने वाली है। तो क्योंकि इसको धरती में थोड़े से भी, बहुत छोटे से भी कंपन का इसको पता चल जाता है, तो इस वजह से इसमें विशेष कंपनों के लिए विशेष जागरूकता या संवेदनशीलता होती है। हो सकता है जब कोई उस चीज को छूता है जिसे हम जागरूकता कह रहे हैं, वो सारे कंपन जो आमतौर पर हर कोई हर रोज बाहर निकालता है, यानी उनकी शारीरिक चीजें, मानसिक चीजें, शायद वो कम से कम रह जाती हैं। उन कंपनों की अनुपस्थिति को कोबरा पहचान जाता है। अगर आप बहुत ध्यानमय हो जाएं, आप जंगल में बैठें और ध्यानमय हो जाएं, कोबरा आपके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। वो आकर आपके पास बैठ जाएंगे जैसे कि वो आपका इंतजार कर रहे हो। ये कितनी ही बार मेरा खुद का अनुभव रह चुका है, और इस परंपरा के कितने ही योगी हमेशा इस चीज को सही बताएंगे, हमेशा, क्योंकि वो किसी इंसान में कंपनों की कमी को भांप जाते हैं। जब कंपन बहुत कम हो जाते हैं या बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, तो वो अपने आप उस तरफ खींचे चले आते हैं। सभी जहरीले जीव जो अपने शरीर में विष बनाते हैं, उन सभी को
ये पता चल जाता है। शायद मैं यहाँ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये बस एक अनुमान है। देखिए, कुछ जीव हैं जो अपनी क्रमिक विकास की प्रक्रिया के चलते विष बनाते हैं, शायद इसीलिए कि इसका शारीरिक आकार और चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि बिना घातक विष के ये जिंदा नहीं रह पाता, इसे लगातार खतरा रहता है। तो क्योंकि इसको इतना ज़्यादा खतरा महसूस होता है, ये इंसानों के लिए भी सच है। जो हमेशा खतरा महसूस करते हैं वो अपने साथ हमेशा ढेर सारा जहर लेकर घूमते हैं। तो इंसानों के बर्ताव को देखकर मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ। हो सकता है कि क्रमिक विकास में, क्योंकि इनके पास हाथ पैर नहीं है, मान लीजिए सांपों के हाथ पैर नहीं हैं, उनमें वो काबिलियत नहीं है जो बाकी जीवों में है, तो उन्होंने समय के दौरान जहर विकसित कर लिया होगा, वरना वो जिंदा नहीं रह पाते, वरना उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। उनके आसपास के जीव तेजी से चलते हैं लेकिन फिर भी ये शिकार कर लेते हैं और जिंदा रहते हैं, क्योंकि इनमें जहर होता है। सभी जहरीले जीव मैंने ये मधुमक्खियों में देखा है। मधुमक्खियां होती है ना, मेरे चारों ओर वो जैसे मंडराती हैं, मैंने कई बार ये देखा है। ये बहुत अजीब है। शुरुआत में जब ऐसा हुआ मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे ये कीड़े उस चीज को महसूस कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर पाता। इंसानों को ज्यादातर ये पता नहीं चलता, लेकिन वो इसे भांप जाते हैं। मैंने ये आमतौर पर जहरीले जीवों में देखा है, क्योंकि जहर बनाने के लिए उनमें एक विशेष प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरे वैज्ञानिकों से मैंने जो सुना है और वो लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि विष धरती पर मिलने वाला सबसे जटिल प्रोटीन है, और आज इस चीज पर प्रयोग हो रहे हैं कि भविष्य में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़े कई रोगों का इलाज विष से किया जा सकता है। क्योंकि जानते हैं, मेरे अनुभव में विष लेना मेरे लिए चमत्कारी रहा है, खुद को फिर से युवा करने में और खुद के साथ बहुत सारी चीजें करने के मामले में। कुछ विशेष तरह के योगी होते हैं जो हमेशा ऐसे पहाड़ी बिच्छू अपने साथ लेकर चलते हैं, जो लगभग 9 इंच लंबे होते हैं। वो इनको डब्बे में रखते हैं, जब भी वो चाहें वो फैसला करते हैं कि कब, और वो बिच्छू का एक डंक ले लेते हैं। आपका पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम झंझना उठेगा, डैंग, ऐसा 24 से 48 घंटे तक होगा। ये आपको सोने नहीं देगा, ये आपको जगा के रखेगा, और दर्द और आनंद के बीच बस थोड़ा सा ही फासला होता है। एक बार अगर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एक खास तरह से झंझना गया तो आप इसे जागरूक तौर पर दर्द या आनंद बना सकते हैं। तो वो रोते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, और ये सब 24 से 48 घंटे चलता है, क्योंकि वो विष का प्रयोग न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हिला देने के लिए करते हैं। तो अब इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ जीवों की पहुंच इन चीजों तक कुछ ज्यादा होती है। उनकी पहुंच भले ही जागरूकता तक ना हो, लेकिन जहां कोई जागरूकता तक पहुंचा है वो उसे महसूस कर लेते हैं। मेरी अपनी समझ में, या मैं कहूंगा मेरे अनुमान से, वो ये है कि वो इन जीवों को या उन चीजों को पहचान लेते हैं जिनमें कंपन बहुत कम होता है। जहां पर कंपन कम होते हैं ये उनके लिए निर्वात की तरह होता है, ये उस तरफ खींचे चले जाते हैं, और साथ ही ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि उस तरह के कंपन को, क्योंकि वो बहुत निष्क्रिय महसूस करते हैं। एक वीडियो है जिसमें मैंने किंग कोबरा पकड़ा हुआ है, सिर से नहीं, शरीर के बीच से। ये कोई पालतू कोबरा या ऐसा कुछ नहीं है, हमने इसे उससे बस 2-3 दिन पहले ही पकड़ा था जब वो वीडियो बनाया गया था। और किंग कोबरा ने अगर आपको काट लिया तो आपके पास जीने के लिए बस 6 से 8 मिनट होते हैं, और बस इसके पास एक हाथी को मार डालने के लिए पर्याप्त विष होता है, लेकिन ये काटेगा नहीं। अगर आपने थोड़ी सी भी घबराहट दिखा दी तो ये काट लेगा। अगर आप बस पूरी तरह शांत हो तो ये आपको नहीं छुएगा, क्योंकि ये आपके पैदा किए हुए कंपन को महसूस करता है।